हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन ने किया था वो क्या था, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, उन दोनों को दो तरीके से मेजर किया जाता था, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा जी, जो आपके पास आया था एवरेज स्पीड वो था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आई थी वो कितनी आई थी, dx बाई। ऐसे ही आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी आई थी y, वो था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो थी ds बाई dt। ये स्केलर क्वांटिटी थी, ये कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप बात की जाए इसके ऊपर, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको दूं, मैंने कहा आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मोशन के दौरान उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। कैसे, मान लीजिए 2t² + 3t + 1 ऐसे। ठीक है, यानी देखो ये एक्स और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसका। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग, एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस का लॉन्ग चल रहा है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज हो रहा है। क्या टाइम चेंज होगा तो एक्स चेंज हो रहा है? यस सर। यानी देखो इसका मतलब ऑब्जेक्ट चल तो रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो चेंज हो रही है। भाई एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस का लॉन्ग चला, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग चलेगा तो चलता जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा ना टाइम के साथ। वो टाइम के साथ जो वेरिएशन है वो आपको ये दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा 3 सेकंड में आपको बताना है एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड्स। ठीक है, आपको एक बताना है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3rd सेकंड। ठीक है, अच्छा चलिए करते हैं, देखते हैं कि एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपने, कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। चलो इनको वेलोसिटी कर लो, अभी आप स्पीड का भी थोड़ी देर बाद कहेंगे तो इसको क्लासिफाई कर देंगे। वैसे इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एवरेज वेलोसिटी बोलूं या एवरेज स्पीड बोलूं, दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, पर वो क्लियर क्यों होनी चाहिए, कब सेम रहेंगी कब सेम नहीं रहेंगी, वो आगे जाके जब हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे 1D 2D 3D जब आपको पता चलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो कि t = 0 पे, यानी इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, x की वैल्यू कितनी आ गई, t 0 रख दो तो x = 1 आ गया। यानी जब मोशन स्टार्ट हुई वहां पे x = 1 था, यानी जहां से पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट की। अच्छा आपको और t = 3 सेकंड में एवरेज बताना है, तो t = 3 सेकंड पे, 3 = 3 सेकंड पे पार्टिकल जो है यहाँ पे 3 रख दो तो x की वैल्यू जो आएगी वो आप क्या जाएगी, देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 रखोगे ना t की जगह, 3 का स्क्वायर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 9 27 और 128 रख लीजिए इसमें। देखो 2 × 3² + 3 × 3 + 1 3 का स्क्वायर 9, 9 = 18 + 9 + 1। ठीक है, कितना हो गया भैया 28। यानी t = 3 सेकंड हुआ तब ये पार्टिकल जो पहुंच गया है वो पहुंच गया 28 पर। ठीक है, आपको क्या इनिशियल पोजीशन पता है, क्या फाइनल पोजीशन पता है? यस सर। तो अगर मैं आपको बोलूं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो सर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, ये कितना आया भाई, जब मेरे हिसाब से तो 27 आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी लिखनी है आपको, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, मैंने एवरेज स्पीड इसलिए हटा दिया था बेटा यहाँ से कि देखो इनिशियल ये यहाँ पे है, फाइनल ये यहाँ पे है, तो इनिशियल और फाइनल पोजिशन पता है तो आप क्या बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं बता सकते, स्पीड पूछता तो मैं पूछता टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस के लिए तो आपको पाथ चाहिए था ना, अगर एक्चुअल तो पाथ आपको बोल रहे थे कि एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो पाथ एक्चुअल में तो ये वाला पाथ ही है, ठीक है, तो मुझे पाथ भी पता था तो मैं टोटल डिस्टेंस को भी 27 लिख सकता था, ठीक है, बट पाथ एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो कई बार ऐसा भी हो जाता है जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 तक जाता और फिर मुड़ के वापस आ जाता, तो आपको तो इनिशियल फाइनल पोजीशन पता होती तो आपको ये नहीं पता चलता कि वो आगे से मुड़ के आया है या सीधा यहां से यहां तक पहुंचा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, आप छोड़िए आप वो कब मुड़ेगा कब नहीं मुड़ेगा सो छोड़िए, क्या आपको इनिशियल पोजीशन पता है? यस सर। क्या आपको फाइनल पोजीशन पता है? यस सर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मुझे वेलोसिटी लिखी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये, और यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा? 3। तो ये कितना हो गया भाई? 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक्स यहां पे मीटर में है और टाइम यहां पे सेकंड में है। अच्छा जी, अब क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dx / dt, भाई x के चेंज होने की रेट ही तो लिखनी है, भाई x चेंज हो रहा है, x किस रफ्तार से फटाफट कितना फटाफट चेंज हो रहा है, x अभी ये था अभी ये हो गया कितना फटाफट चेंज हो रहा है, x के चेंज होने की रेट ही तो आपकी वेलोसिटी आएगी। अच्छा जी, अब आपने इसको लिखा तो लिखा देखो इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो भाई 4t ये हो गया, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा प्लस 3 ये हो गया, 1 का कितना हो गया भाई 0, तो ये आ गया, ये आ गई आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किस टाइम पर है, किसी भी टाइम टी पर, अब आपको कितने टाइम पे बता लिए 3rd सेकंड पे, तो t इक्वल टू 3 में जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 12 + 3, ये हो गया आपके पास 15 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास क्या हो गया है 15 मीटर पर सेकंड, क्या बात समझ में आई आपको? अच्छा जी, तो ये तीसरे सेकंड पे स्पीड है और ये एवरेज है, ये क्या है, अब वैसे भी आप लो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आ रही है इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम बढ़ता जाएगा तो क्या स्पीड बढ़ती जाएगी? यस सर। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड लगातार देखो यहां से बढ़ती जब ये 3 सेकंड पे पहुंचे तो 15 तक स्पीड हो गई, पर एवरेज तो क्या होगा, देखो लगातार बढ़ रही है यानी यहां से स्पीड कम थी बढ़ती 15, तो एवरेज निकालोगे तो 15 से कम ही आएगा, देखो 9 आ रहा है, क्या कह रहा है ये एवरेज और ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, और देखिए मैंने आपको बोला कि एक पार्टिकल है जो यहां से सर्कुलर पाथ में चला एग्जैक्ट हाफ सर्कल तक, सर्कुलर पाथ की रेडियस मान लो 1 मीटर, ठीक है, ये यहां से चला और मैंने कहा कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो है 2 मीटर पर सेकंड, कितनी है 2 मीटर पर सेकंड सर्कुलर पाथ में चला, तो मैंने कहा जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी, चलेगी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या ये वाला होगा, ये क्या होगी डिस्टेंस और ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 2 हो गया अपॉन टोटल टाइम, मान लो उसको यहां से यहां तक पहुंचने में टी सेकंड लगे, कितना टाइम लगा टी टाइम लगा। ओके चलिए, तो आपने क्या लिखा इसको टाइम, टाइम कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी पाई आर, पूरे सर्किल की डिस्टेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो हाफ सर्किल की कितनी होगी पाई आर, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप ऐसे थे ना कि जो होता है डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता था स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है स्पीड इनटू टाइम,
तो टाइम स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, क्योंकि आपको स्पीड दे रखी है ना, तो देखो टोटल यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी क्या हाफ सर्किल हो जाएगा, पूरा सर्किल होगा तो 2πr, हाफ सर्किल है तो पाई आर, अच्छा अपॉन स्पीड। अच्छा जी, अब आपने क्या लिखा है इसको, पाई आर की वैल्यू कितनी रख दी भाई 1, और ये कितना रख दिया 2, तो जो टाइम लगा वो लगा पाई बाई 2, कितना लगा पाई बाई 2। अब ये यहाँ पे रख लीजिए, आपसे तो एवरेज वेलोसिटी पूछी थी, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 2 बाई टाइम की वैल्यू आ गई पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 यानी 4 बाई पाई, कितनी आ गई 4 बाई पाई। ओके चलिए, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछता, क्या पूछता आपसे एवरेज स्पीड, तो आप एवरेज स्पीड को क्या लिखते, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो ये वाला होता जस सर पाई इंटू आर, आर कितना 1, पाई इंटू आर। अच्छा अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम तो अभी आपने निकाला था पाई बाई 2 आया था, इसको सोल्व करोगे तो आ गया 2 मीटर पर सेकंड, भाई वो तो आना ही था। देखो मैंने कहा था कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से यहां से यहां तक गया, तो एवरेज तो इतना ही आएगा भाई। जैसे मान लो 10 बच्चों के नंबर, मान लो कि 10 नंबर का मैं टेस्ट लूँ और 10 बच्चों के नंबर देखूँ, किसी का 0 है, किसी का 1 है, किसी का 10 है, किसी का 9 है, तो आप एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे, टोटल नंबर का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। पर अगर सभी के मान लो 5-5 नंबर आ गए, तो 10 बच्चों के कितने हो गए टोटल नंबर 50 अपॉन 10, तो कितना आएगा 5। तो जब कांस्टेंट रहता है तो एवरेज तो उतना ही आएगा, आना भी चाहिए था। एक्चुअली एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड होती है जिससे अगर सेम पाथ ट्रेवल किया जाए तो सेम टाइम लगे, तो ये पहले से कांस्टेंट है, तो इसकी एवरेज स्पीड ही, अगर आप नहीं भी निकालते तब भी, तो कितनी आपको पता ही था कितनी आएगी भाई आपकी 2 आएगी। चलिए जी और देखिए, एवरेज स्पीड, एवरेज, चलिए अभी छोटे छोटे से और क्वेश्चन। पहला मैंने आपसे बोला कि एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, ठीक है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया स्ट्रेट पाथ में। अच्छा स्ट्रेट पॉइंट पे यहां से यहां तक गया, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? यस सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा जी, अब देखो जब ये यहां से यहां तक गया, तो मैंने जो टोटल जर्नी है इसकी ए से बी तक, उसके 1/3 डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस जो कुछ भी चला उसकी 1/3, ये अगली 1/3, ये अगली 1/3, ये तीन डिस्टेंस हो गई। अच्छा मैंने कहा चलो पहले हाफ हाफ कर लूं, मैंने टोटल जो ये पाथ चला इसकी हाफ डिस्टेंस ये वी वन स्पीड से चला और अगली हाफ वी टू स्पीड से चला, कितने चला वी टू स्पीड से चला। तो मैंने आपसे पूछा बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी, बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। अच्छा पहली बात तो आप देखो, ए से बी तक गया तो ए से बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बराबर आएंगे? यस सर, क्योंकि इसने शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ ही ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है, इसलिए आपके पास जो स्पीड निकालोगे या वेलोसिटी निकालोगे दोनों सेम आएंगे। एवरेज स्पीड निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अबे यहां से यहां तक तो ये वेलोसिटी तो फिक्स दे ही रखी है, तो भाई आपके पास टाइम तो फिक्स ही है यहां से यहां तक का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लो चाहे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर लो, तो दोनों तो क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो एवरेज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा और जो एवरेज स्पीड आएगी वो दोनों सेम आएंगे, वो दोनों क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। आपसे दोनों में कोई चीज पूछेगा एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। ओके तो आप कैसे निकालो, अब आप क्या निकालोगे इसको, जैसे एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा मान लीजिए ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है डी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कितनी डिस्टेंस है डी, तो ये हाफ डिस्टेंस है तो ये डी बाई टू हुई और ये भी कितनी हुई डी बाई टू, तो यहां पे आप रखोगे तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी होगी डी। अब टोटल टाइम लिखना है आपको, तो टाइम कितना होगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी डी बाई टू बाई वी वन, और यहां से यहां तक का जो टाइम लगेगा टी टू वो लगेगा टोटल डिस्टेंस यानी डी बाई टू अपॉन स्पीड, ठीक है।
यहां से यहां तक तो स्पीड कांस्टेंट है ना। अच्छा तो स्पीड यहां से यहां तक कांस्टेंट है तो टाइम कितना होता है? अब जानते हैं स्पीड कितनी होती है, स्पीड कितना होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल होता है। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकालना है आपको, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो देखो ये इतनी डिस्टेंस और इस दौरान ये स्पीड रही v1, डिस्टेंस यहां पे d / 2 और स्पीड कितनी रही आपके पास v2। तो आप यहां पे लिखोगे ये लिखोगे d / 2 v1 टाइम t1 की वैल्यू प्लस t2, यहां से यहां तक t1 टाइम, यहां से यहां तक t2 टाइम प्लस d / 2 v2। तो देखो मेरे हिसाब से तो ये 2 कॉमन, ये d कॉमन आके कैंसिल हो गया। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो नीचे से ये ऊपर बचा 1, नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा, ये 1 अपॉन v1 प्लस 1 बाई v2। ठीक है, आप इसको इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं, वरना नीचे एलसीएम ले लीजिए, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, सिंपल सा है ना। अगर मैं कहूँ टोटल जर्नी की हाफ डिस्टेंस कितनी स्पीड से चली गई है v1 से, बाकी हाफ चली गई है v2 से, तो एवरेज बताओ। तो पूरे रास्ते अगर कांस्टेंट स्पीड से चलता, मान लो यहां से यहां तक कांस्टेंट से चलता, तो एवरेज तो उसके बराबर ही आता। पर ये यहां से यहां तक तो कांस्टेंट से, यहां से यहां तक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, पर पूरे पाथ का मेरे से एवरेज पूछा गया है, तो आएगा 2v1 v2 upon v1 plus v2। ठीक है, स्पेशल केस जब डिस्टेंस इक्वल दे रखी हो ना, हाफ डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस है ना। ऐसे इस पाथ के तीन टुकड़े, देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो इसमें, ये सिंपल ऑब्जेक्टिव आता है भाई, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे सिंपल बोला कि एक आदमी अपने घर से और यहां पे मार्केट में गया थ्रू द स्ट्रेट पाथ, ठीक है। अच्छा, या जो भी पाथ है, घर से मार्केट तक गया, फिर मार्केट से अपने घर तक वापिस आ गया सेम पाथ से, ठीक है। और जाते टाइम उसकी स्पीड थी मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड, और आते टाइम उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, है ना। जाते टाइम मान लीजिए पैदल गया था, आते टाइम मान लो ऑटो से आ गया था, स्पीड बढ़ गई है ना घर से यहां तक जाने की, यहां से यहां तक आने की। अब मैं आपसे पूछो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी टोटल जर्नी की, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, देखो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये यहां जाके वापस यहां आ गया तो जीरो ही हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी तो कितनी आएगी जीरो, और एवरेज जो स्पीड है वो कितनी आएगी। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो डी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी भाई डी। तो देखो अपनी हाफ डिस्टेंस 3 की स्पीड से चला है, टोटल जर्नी की हाफ डिस्टेंस, और बची हुई हाफ डिस्टेंस कितने से चला है 6 से चला है, तो ये पिछले वाला ही क्वेश्चन हो गया। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 2v1 v2 upon v1 plus v2, ये एवरेज स्पीड है। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए 2 into 3 into 6 upon 3 plus 6 9, तो इसको कट कर लीजिए, ये इन दोनों कट करके 2 आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। देखो इस केस में क्या मोशन 1D है, मान लो मैं कहूं स्ट्रेट पाथ से गया तो 1D है ना। अच्छा तो अगर 1D मोशन है तो देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग लगा सकते हैं, है ना 1D मोशन में, ठीक है। चलिए छोड़िए, अब देखिए और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यानी कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया ए से बी तक, और टोटल डिस्टेंस का 1/3 यानी डी बाई 3 डिस्टेंस वी 1 स्पीड से, अगली डी बाई 3 वी 2 स्पीड से, अगली डी बाई 3 वी 3 स्पीड से चला। अब मैंने आपसे पूछा एवरेज एवरेज स्पीड बता दीजिए। देखो अब इस केस में देखो वापिस तो आ नहीं रहा, एक तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है 1D मोशन है, और कहीं पे भी वापस नहीं मुड़ रहा है ना। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम, अगर ये वापस यहां से आके यूं मुड़ जाए जब, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे अलग अलग। तो मैं आपको बोलूं क्या 1D मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं? हो सकते हैं सर, ठीक
पर अगर उसने कहीं पे भी टर्न नहीं लिया, बस सीधा एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और उसने डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेंगे? बराबर। अब इनका ए से बी गया एकदम स्ट्रेट पाथ में, उसने कभी भी डायरेक्शन चेंज ही नहीं की, तो एवरेज स्पीड पूछ लो या मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ लूं, क्या दोनों बराबर आने वाले हैं? यस सर। पर अगर ये कहीं भी मुड़ जाता तो देखो एवरेज, अब मान लीजिए लास्ट का ये यहां से यहां तक जाता और ये वापस यहां पे आ जाता, ठीक है, तो एवरेज स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस भी उतनी रही और ये स्पीड भी उतनी उतनी है, पर एवरेज वेलोसिटी पे फर्क पड़ जाता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अब डी बाई थ्री बचता पर डिस्टेंस तो अब भी वो कितनी रहती डी। देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, मैंने आपसे पूछा एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई भाई? डी। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? डी। अच्छा टोटल डिस्टेंस डी और टोटल टाइम कितना हुआ? देखो फर्स्ट इस पार्ट में टाइम हुआ टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देखो इसमें टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी d / 3 अपॉन स्पीड v1, इसमें t2 ये हो गया d / 3 v2, इसमें t3 ये हो गया d / 3 v3, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप कैसे लिखोगे? d / 3 v2 d / 3 v3, वही d कॉमन आके कटेगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 3 नीचे से कॉमन आएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 ऊपर से, ये एवरेज आपकी स्पीड है या मैं इसको आपका एवरेज क्या बोल सकता हूँ वेलोसिटी, क्योंकि अभी तो ये स्ट्रेट पाथ में कभी भी इसने टर्न नहीं लिया, क्या नहीं लिया? टर्न नहीं लिया, बोल बात समझ में? अच्छा जी, जैसे किसी सवाल को मैं या जो इस रिजल्ट को अगर मैं जनरलाइज करूं तो अगर किसी पार्ट के n इक्वल पार्ट कर दिए जाए, कितने पार्ट कर दिए जाए? n इक्वल पार्ट, और आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, क्या पूछी जाए? एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आएगी n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन vn। अब एक जर्नी हो फर्स्ट हाफ पार्ट सेकंड हाफ पार्ट, यानी दो पार्ट में डिवाइड किया, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे v1 v2 आ जाएगा, तीन होंगे यहाँ पे 3 v1 v2 v3 आएगा, फोर होंगे तो यहाँ पे 4 ये 1 upon v1 1 upon v2 1 upon v3 1 upon v4 इस टाइप से आपके आते जाएंगे, तो इसको जनरल रिजल्ट लिख सकते हो जब किसी पार्ट को n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया हो और हर पार्ट के अलोंग आपको कॉन्स्टेंट स्पीड दे रखी हो तो एवरेज स्पीड इतनी बैठेगी। एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर ही आएगा, पर वो तब तक तब ही आएगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, यानी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चले और मुड़ के वापस ना आए, यानी उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज ना हो, तो अगर मोशन की डायरेक्शन चेंज हुई तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। चलिए जी, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट ये ए से बी गया और वापस मुड़ के सी आ गया, सी पे आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कहता सी इसका मिड पॉइंट है, सी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। मैंने कहा ए से बी जाते टाइम इसकी स्पीड थी v1 और बी से सी तक आते हुए इसकी स्पीड थी v2। मैंने आपसे पूछा बताइए एवरेज स्पीड ऑफ टोटल पाथ और एवरेज वेलोसिटी ऑफ टोटल पाथ। अच्छा जी, तो देखो सबसे पहले आप एवरेज स्पीड लिखेंगे, एवरेज स्पीड क्योंकि टोटल डिस्टेंस, देखो मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस d है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी भाई? d / 2 हो गई, हाफ पार्ट दे रखा है इसका, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलाइए? d प्लस d / 2 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? यहां से यहां तक डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? d / 2 अपॉन स्पीड, ठीक है। सॉल्व कर लो, वही d कॉमन आके कटेगा, ऊपर आप देखोगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस 1 / 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन 2 v2। इसको आगे आप सॉल्व कर लो, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा। चलो कर लेते हैं, ऊपर तो कितना आ गया भाई 3 / 2 और नीचे कितना आ गया 2 v1 v2 एलसीएम हो गया और इधर हो गया 2 v2 प्लस v1।
अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो गया 3v1v2 अपॉन 2v2 प्लस v1, 2v2 प्लस v1। बोल बात समझ में आई? अच्छा जी, देखो d/2 अपॉन v1 अपॉन 2v2 सॉल्व कर लो, आपके पास ठीक है। चलिए अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछता, एवरेज वेलोसिटी, तो आप लोग तो सभी जानते हैं कि अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। इस पार्टिकल ने टर्न लिया है, टर्न लेके मुड़ा भी है ये पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, तो एवरेज जो वेलोसिटी आपके पास आएगी वो आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो बेटा यही है, तो ऊपर सिर्फ क्या रह जाएगा d/2। टाइम तो भी वही लगना है, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डी से ऊपर बच जाएगा 1/2 और नीचे बच जाएगा 2v2 प्लस v1 बाई 2v1v2। तो ये कैंसिल, आपका रिजल्ट बचा v1v2 अपॉन v1 प्लस 2v2, हो गया। चलिए जी और देखिए, और देखिए जैसे कि मैंने आपसे सिंपली बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से चला, ठीक है, और यहां तक गया ए से बी। मान लो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम लगा टी, टोटल टाइम लगा टी। अब इसके हाफ टाइम तक यानी t/2 टाइम तक ये v1 स्पीड से चला, और अगले हाफ टाइम तक ये v2 स्पीड से चला। अब मैं कहूं आप एवरेज स्पीड का देखो, सेम सेकंड के पिछली बार क्या इक्वल दे रखा था आपको, डिस्टेंस, जब इक्वल इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चल रहा था। अब ये इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल, यानी जब जर्नी को टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, है ना। तब जब आप लिखोगे एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस, भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, भाई यहां से मान लो सी है, तो ये डिस्टेंस ए से सी तक प्लस डिस्टेंस सी से बी तक अपॉन टोटल टाइम मान लीजिए टी लगा, ठीक है। अच्छा, ए से सी तक डिस्टेंस निकालोगे कितना होगा, भाई स्पीड इंटू टाइम यानी t/2, ये कितना होगा स्पीड इंटू टाइम अपॉन टाइम। तो टाइम तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा आपका v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। इसको मैं जनरलाइज लिख देता हूं। अब अगर आप इसको जनरलाइज करके लिखोगे, तो जनरलाइज करके लिखोगे तो अगर n इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड करता तो v एवरेज आपके पास आता v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस .vn अपॉन n। देखो ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं आपने, एक जनरलाइज फॉर्मूला ये लिखा है और एक जनरलाइज फॉर्मूला वहां पे लिखा था ना, n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस .1 अपॉन vn, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले एवरेज स्पीड के हैं, पर कई बार एवरेज वेलोसिटी के लिए भी लग जाते हैं जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, और ये सिर्फ एक ही केस में होता है जब ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हो, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, तब ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो फिर एवरेज वेलोसिटी, यानी आप तो ये ध्यान रखिए कि आपसे कभी भी एवरेज वेलोसिटी अगर निकलवा लिया गया, आपसे क्या निकलवा लिया गया एवरेज वेलोसिटी, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ने पाथ में कहीं पे टर्न तो नहीं ले लिया है। एवरेज स्पीड का निकलवाया कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूले लगाओ, ये फॉर्मूले लगेंगे आपके आंसर आएंगे। बट अगर पार्टिकल ने टर्न ले लिया है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से निकलेगी। चलो जैसे मैं आपको और एग्जांपल के तौर पर करवाता हूं, मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है और एक्स इक्वल टू दे रखा है 2t-t2, क्या कि जो एक्स कोऑर्डिनेट, एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा था, ठीक है, तो
इस एक्सिस के अलोंग है ना। अब ये नहीं कहा कि इधर चल रहा है इधर चल रहा है, वो अपन को निकालना पड़ेगा ठीक है। ये मान लीजिए ओरिजिन है ठीक है, जीरो कोमा जीरो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा था। तो मुझे कहा कि तीन सेकंड में एक तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है और एक बतानी है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अच्छा जी, अब देखिए मैंने कहा कि t is equal to 0 पे पार्टिकल कहां था, तो देखो t is equal to 0 पे ये पार्टिकल था, x की वैल्यू आएगी 0 यानी यहां पे ओरिजिन से। अच्छा t is equal to 3 पे पार्टिकल कहां था, t is equal to 3 पे अगर ये पार्टिकल देखा जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 9 3 रखोगे ना इस वैल्यू तो ठीक है 3 रखो तो 3 रखोगे कितनी आएगी 2 into 3 6 minus 3 का square 9 तो आई minus 3 x के लिए कितनी आ गई minus 3। ये तो t equal to 0 0 रखते ये 0 ये 0 3 रखते ये हो गया 6 और ये हो गया 9 तो ये आ गया minus 3। यानी t equal to 0 पे पार्टिकल यहाँ है और t equal to 3 पे ये पार्टिकल minus 3 पे यानी यहाँ पे ठीक है। या आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब आपको पता है तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई यहां से यहां तक कितना हो गया 3, चाहो तो माइनस 3 लिख सकते हो उस डायरेक्शन में, अगर साइन के साथ लिखना चाहो तो माइनस 3 ठीक है। पर आपसे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड पूछ लेता हूँ तो प्लस से काम चल जाएगा ना। मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कितना था, तो 3 तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपॉन टाइम कितना लगा यहां से यहां तक 3 सेकंड लगे, यहां से यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड, तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो तो आ गई 1 मीटर पर सेकंड। अब बात आई एवरेज स्पीड की, अब एवरेज स्पीड के लिए मुझे ये नहीं था ना कि पार्टिकल सीधा इधर आया है या इधर जाके इधर आया है, चाहे तो एक्सिस के लोग हैं या इधर जाके इधर आया है, तो भाई उसके लिए तो टोटल जो एवरेज स्पीड के लिए तो आपको क्या चाहिएगा, आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल चाहिएगी और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के लिए भाई आपको पाथ चाहिएगा। चलो मैं आपको चेक कराता हूं। जैसे मैंने कहा कि t is equal to 2 पे देखो कहां है, t is equal to 2 पे पार्टिकल का है, तो t is equal to 2 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 रखोगे तो 4 0। देखो t is equal to 2 पे ये पार्टिकल 0 पे है, यानी t is equal to 2 सेकंड में भी पार्टिकल नहीं है। t is equal to 1 सेकंड पे और चेक कर लो भाई, t is equal to 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड पे रखोगे तो x की वैल्यू रखोगे यहां पे तो t की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 minus 1 1, यानी ये पार्टिकल यहां पे है t is equal to 1। तो इसका मतलब देखो t is equal to 0 पे पार्टिकल जहां था 1 पे पार्टिकल x is equal to 1 पे यानी इधर गया, उसके बाद t is equal to 2 पे यहां है, तो इसका मतलब ये कहीं से मुड़ा और यहां पे आया, उसके बाद फिर यहां पे गया। इसका मतलब पाथ सीधा ही यहां निकल, पहले इस तरफ गया है और फिर मुड़ के इस तरफ आया। अब बात है कि मुड़ा कहां पे, अब मान लो यहां पे मुड़ा होता तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाती, तो 0 से 1 जाता तो 1, 1 वापस यहां तक आता तो 2, 2 के बाद 3 मीटर ये, तो 2 और 3 कितना हो जाता 5 ठीक है। पर अब मुझे ये बताना कि यहीं पे एग्जैक्ट यहां पे मुड़ा भी है या नहीं मुड़ा है, तो आप क्या करो जब भी पाथ स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, जब भी पाथ ये मैं एवरेज वेलोसिटी तो मिटा देता हूं, तो आसान ही था एवरेज स्पीड देखो, तो आप क्या कीजिए सबसे पहले जब भी आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछे, जब तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा और अगर एवरेज स्पीड पूछिए तब आपको पाथ निकालना पड़ेगा है ना। अच्छा अब मुझे ये पता है कि पार्टिकल इधर जा रहा था और x की वैल्यू ये है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी भाई dx / dt, वो कितना आएगा 2 - 2t। अच्छा अब ये पार्टिकल इधर चलना स्टार्ट हुआ और जिस पॉइंट पे ये टर्न लेगा यानी वापस मुड़ेगा उस पॉइंट पे पक्का वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। भाई एक आदमी इधर दौड़ रहा है, दौड़ते-दौड़ते अगर मुड़ के वापस उल्टा दौड़ेगा तो एक बार उसकी उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो होगी। यानी टर्न वहां पर लेगा जहां पे आपका क्या हो जाएगा वेलोसिटी जीरो। तो सबसे पहले आप निकाल लो, देखो t = 0 पे पार्टिकल कहां पे है, देखो t = 0 पे
x की वैल्यू कितनी आएगी 0, और v आपने लिख रखा है तो v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू कितनी आएगी 2। यहां से आपको पता चलेगा 50 = 0, फिर पार्टिकल इधर चल रहा था, ठीक है। अच्छा, दो की स्पीड से तीन, और फिर फाइनल निकाल लो, 3 सेकंड में पूछा था ना आपसे, तो t = 3 पे x की वैल्यू तो निकाली रखी आपने -3 आएगी। अच्छा, और वेलोसिटी वैल्यू और निकाल लो, t = 3 रखो, तो 3 जब इसमें रखोगे तो 3 × 2 = 6, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, 6 में से 2 गए तो 4 -4, यानी t = 3 सेकंड पे ये पार्टिकल यहाँ है और स्पीड -4 का वेलोसिटी -4 का मतलब ये इधर चल रहा है। इसका मतलब जब इसने मोशन स्टार्ट किया जब इधर चल रहा था और फाइनली जब ये जिस पॉइंट पे पहुंचा उस पर भी इधर चल रहा है, इसका मतलब कहीं से तो मुड़ा होगा, कहीं ना कहीं से तो मुड़ा होगा ये पार्टिकल। अब कहां से मुड़ा उसके लिए भाई वेलोसिटी 0 कर लो, तो 2t = 0, जिस टाइम पे मुड़ा होगा उस टाइम के ऊपर क्या हुआ होगा वेलोसिटी 0, तो t की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1, तो t को धरेगा ना t = 1, यानी t = 1 सेकंड पे मुड़ा है। अब यहां से t = 1 पे आप कंडीशन लिख लो, t = 1 का कंडीशन लिख लो, t = 1 पे कहां पे होगा x की वैल्यू निकाल लो, t1 रखो यहां पे, ये 1 तो कितना हो जाएगा 2, नहीं 2 - 1 हो गया। इसका मतलब कुल मिला के t = 0 पे पार्टिकल इधर चला और t = 1 पे पार्टिकल यहां पे पहुंच गया x = 1 पे, और t = 1 पे इसने क्या किया टर्न ले लिया और वापस मुड़ गया, उसके बाद ये पार्टिकल इधर गया और यहां तक आया, यानी कुल मिला के अब ये इसका पाथ है। तो एवरेज जो आपकी स्पीड निकालोगे, एवरेज स्पीड तो क्या निकलेगी भाई, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप इस पाथ को निकाल के। तो जब सबसे जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछूंगा तो आपको पाथ पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो देखो दो तरीके हो गए, एक तो ये वाला जब आपको इसकी इक्वेशन दे और तब आप ऐसे लिखेंगे एवरेज स्पीड पूछे तो भाई उसने कहीं टर्न लिया है या नहीं लिया, और दूसरे टाइप के आपके वो वाले क्वेश्चन जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में देता है उसके अंदर आपको ये चेक करना पड़ता है, जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं वो एवरेज स्पीड के लिए तो ऑलवेज एप्लीकेबल है, बट एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि टर्न लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। चलो अब देखो, अब निकालते हैं t = 1 पे हो गया एवरेज स्पीड, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी भाई यहां से तक 1, 2, 2 और 3, 5, और टोटल टाइम 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में पूछा था 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड तक यहाँ पे है, तो टोटल टाइम ये हो जाएगी आपके पास एवरेज स्पीड, क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। चलिए जी और देखिए क्वेश्चन, और देखिए चलो ऐसा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, चलो मैंने कहा एक पार्टिकल x एक्सिस का लॉन्ग चल रहा है, उसका एक्सपोनेंट t² - 60+1 है, 60+1 है। अच्छा जी, मैंने कहा कि आपको 2 सेकंड t = 3 सेकंड लगा लो, वही 3 सेकंड मैं आपको वही दो चीजें बतानी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलो भाई चालू करते हैं ना, तो सबसे पहले भी पास बनाओ क्योंकि दोनों ही निकालना है तो पास बना रहे हैं, तो सबसे पहले t = 0 पे लिख लो भाई, t = 0 पे x कितना है, x की वैल्यू आएगी 1, तो यानी ये पार्टिकल t = 0 पे यहाँ पे है और ये वैल्यू है 1, ठीक है। अच्छा t = 3 पे देख लो भाई, t = 3 पे देखो 3² = 9 -6 = 18+1 यानी कितना हो गया 9, 10 - 1, तो यानी t = 3 पे -8 पे है, ये t = 3। तो भाई एवरेज वेलोसिटी लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, एवरेज वेलोसिटी क्योंकि इसमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन, सिर्फ इनिशियल फाइनल दोनों के बीच भाई गैप कितना है 9 का, 1 ये 8 ये 9, तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम का आपको 3 सेकंड दे रखा है, 3 सेकंड के अंदर तो पूछा ही आपने, तो y3 ये आएगा 3 m/s, कितना आएगा 3 m/s। अच्छा अब बात आई एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की
तो भाई यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में आपको पाथ पूछता होना चाहिए कि किस रास्ते से पार्टिकल चल के आया। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि पार्टिकल ने टर्न तो नहीं लिया। टर्न निकालने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी लिख लो। वेलोसिटी की वैल्यू आएगी v इक्वल टू 2t माइनस 6। आपने इसको डिफरेंशिएट किया ना, डिफरेंशिएट करना तो आप सीख गए t स्क्वायर कितना होता है 2t, यहाँ पे 6 ऐसा है सर, t का कितना हो गया 1 और इस 1 का कितना हो गया 0। अच्छा अब t इक्वल टू 0 पे आप वेलोसिटी लिखते जाओ, ये प्लस 1, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी वही कितनी, t इक्वल टू 0 रखो बेटा माइनस 6, यानी t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल इधर चल रहा था और इसकी स्पीड थी माइनस। t इक्वल टू 3 पे लिखो भाई, t इक्वल टू 3 रखोगे तो 3 रखोगे तो 3 टू जा 6 माइनस 6, वेलोसिटी कितनी आ गई 0, कितनी आ गई 0, यानी t इक्वल टू 3 पे अब ये पार्टिकल जस्ट यहां से टर्न लेता, यानी t इक्वल टू 3 सेकंड पे मैं वेलोसिटी की 0, यानी अभी से टर्न लिया नहीं, अभी लेता टर्न। तो t अब याद रखना t इक्वल टू 4 पूछता जब तो बात अलग हो जाती, पर मैंने t इक्वल टू 3 पूछा है तो देखो ये यहां पे पहुंचा, यहाँ पे वेलोसिटी माइनस 6 थी यानी इधर चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0 हो गया यानी यहाँ पे टर्न लेगा। तो अभी तो लिया नहीं है इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आएंगे, तो जो आपकी एवरेज स्पीड आई थी वही आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। पर मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकंड पूछता, कितना पूछता भाई मैं 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पूछता तो यहाँ पे देखो t इक्वल टू 4 पे, अगर मैं 4 सेकंड पे पूछता तो t इक्वल टू 4 पे जो पोजीशन होती वो कितनी होती भाई, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24 प्लस 1, तो मेरे हिसाब से माइनस का 9 आ जाता, माइनस का 9, तो ये चीज हो जाती माइनस का 9 और ये हो जाता t इक्वल टू 4 पर 17 नहीं माइनस का 7, माइनस का 7। और यहाँ पे आप वेलोसिटी निकालते हैं t इक्वल टू 4 रखते हैं तो आती 8 माइनस 6 तो बी की जाती 2। तो देखो जो चला था जब माइनस 6 यानी इधर चल रहा था और जब फाइनल पॉइंट पे जिसमें पूछा है t इक्वल टू 4 पे तो वेलोसिटी आई प्लस, यानी ये पार्टिकल इधर चल रहा है तो यानी इसने रास्ते में कहीं ना कहीं टर्न लिया है। अब टर्न लिया है तो इसको वही आप v को क्या रखते हैं 0, तो t की वैल्यू आती 3, कितनी आती 3, तब आपको पता चलता कि 3 सेकंड पर ये पार्टिकल टर्न ले चुका है, यानी 3 सेकंड तक ये पार्टिकल इधर गया और फिर टर्न लेके इधर आया। तो आप टोटल डिसाइड निकाला, फिर आपको t इक्वल टू 3 सेकंड पे वो आपको निकालना पड़ता, तो x की जो अभी अपन निकाली थी माइनस 8 तो माइनस 8 ही आती, यहाँ पे रखते आप माइनस 8, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती 1 से लेके माइनस 8 तक, ये डिस्टेंस तो कितनी हो जाती 9, यानी 9 मीटर तो ये इधर चलता, उसके बाद 8 से 7 1 मीटर वापस आता, तो टोटल चलता 10 और टोटल टाइम होता 4 और स्पीड आती 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। थोड़ा ध्यान से देखिए बाकी इन सवालों में कोई खास ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, बाकी फिर भी एक बार आप गौर से देखोगे आप लॉजिक समझ जाओगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन एकदम आसान लगेंगे, कोई खास बात नहीं है ना। अच्छा जी, कुल मिला के आपके पास एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितने तरीके से निकाल सकते हैं भाई अपन, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से निकाल ही सकते हैं, उसके अलावा एक फॉर्मूला दूसरा कौन सा होता है आपका n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन vn, जब क्या हो डिस्टेंस के n पार्ट्स कर रखे हो, और ये फॉर्मूला हो जाता है v1 प्लस v2 प्लस vn बाई n, और ये क्या हो जाता है जब टाइम इक्वल इक्वल डिवाइड कर रखा है। एवरेज वेलोसिटी भी के लिए भी लग सकते हैं फॉर्मूले, जब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो यही एवरेज वेलोसिटी आएगी और यही एवरेज मतलब दोनों केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम ही आएगी। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के फॉर्मूले में क्या फर्क है, एवरेज स्पीड क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर बराबर है, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो ये दोनों के लिए वैलिड होंगे, और वरना एवरेज स्पीड के लिए लगेंगे ही, एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद। चलिए जी और देखें, और देखिए नेक्स्ट टर्म है एक्सीलरेशन,
एसिलेशन, ठीक है। अच्छा जी, एसिलेशन के जो एसिलेशन जो डिफाइन किया गया वो डिफाइन किया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर जो पार्टिकल चल रहा है उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो रेट ऑफ स्पीड चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को नहीं बोलते, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं। अच्छा, वेलोसिटी चेंज का मतलब चाहे इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो चाहे इसकी डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी दोनों केस में चेंज मानी जाएगी, जैसे मान लो कोई पार्टिकल इधर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस सर, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वेलोसिटी के चेंज के रेट को अपन क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। अच्छा, और वेलोसिटी कितने कारणों से चेंज हो सकती है? दो कारणों से, एक तो मैग्नीट्यूड के चेंज से और एक डायरेक्शन के चेंज से। डायरेक्शन चेंज होने के कारण अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जो एक्सीलरेशन होता है उसको बोला जाता है रेडियल एक्सीलरेशन, और मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना। इन दोनों के बारे में थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप देखिए। अच्छा, एक्सीलरेशन को भी दो तरीके से मेजर किया जाता है, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस कितना होता है? डीवी बाई डीटी, ये एक्सीलरेशन होता है इंस्टेंटेनियस, और ये कैसा होता है? एवरेज, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, और ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अब देखिए जो एक्सीलरेशन है ए, ए वेक्टर इज इक्वल टू डीवी वेक्टर बाई डीटी, ये होता है। तो एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन आती है वो चेंज इन वेलोसिटी में आती है, यानी एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन वो डीवी वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, यानी चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन में, वेलोसिटी डायरेक्शन में नहीं होती, ऐसे नहीं वेलोसिटी डायरेक्शन में हो नहीं सकती, हो तो किधर भी सकती है, पर फिर भी एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन में आएगी, हमेशा वेलोसिटी डायरेक्शन में आएगी कोई जरूरी नहीं है, पर चेंज इन, जैसे मान लीजिए आप तो ग्रेविटी पढ़ भी चुके होंगे आप 9th क्लास में, काइनेटिक्स को थोड़ा थोड़ा, अगर मैं किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करूं तो देखो एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, पार्टिकल अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पॉइंट पे था तो एक्सीलरेशन तो ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है, तो क्या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है? नहीं, एक्सीलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, एक्सीलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट और, ए इज इक्वल टू होता है भाई dv by dt, a वेक्टर इज इक्वल टू, है ना। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं dv वेक्टर अपॉन ds वेक्टर इनटू ds वेक्टर by dt, तो जो आपके पास आने वाला है वो ही आने वाला है, अगर मैं ds से मल्टीप्लाई कर दूं तो v dv by ds, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है a, ए का फॉर्मूला। तो ए के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है डीवी बाई डीटी, ए तो क्या होता है डीवी बाई डीटी एक्सप्रेशन, तो इसकी डेफिनेशन ही होती है, यानी ए इक्वल टू डीवी बाई डीटी, और एक ए इक्वल टू होता है वी डीवी बाई डीएस, दो फॉर्मूले होते हैं ए के, हाँ। दोनों किसके फॉर्मूले हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के, किसके? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के। चलिए जी और देखिए, अब कुल लाके अपन जो चीजें पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं अपन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है। एवरेज जो वेलोसिटी और स्पीड उसको दो तरीके से मेजर किया जाता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस होता है किसी इंस्टेंट के ऊपर, और एवरेज होता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए अब सिंपल सा क्लासिफिकेशन करते हैं वेव मोशन का। देखो मोशन, मोशन के दो पार्ट हैं, देखो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन वो जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम रहेगी, कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती। अगर कोई भी चीज चेंज नहीं हुई ना
मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन। अच्छा आप डायरेक्शन पे आ जाओ, जब डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही तो यूनिफॉर्म मोशन में जो पाथ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट। कैसा पाथ होता है? स्ट्रेट पाथ होता है। अच्छा दूसरी खास बात इसकी, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, मुड़ी नहीं रहा पार्टिकल, और स्ट्रेट पाथ में चले जा रहा है, तो स्ट्रेट पाथ में चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो मैं कहूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो क्या पार्टिकल इसका स्ट्रेट पाथ में चल रहा है? यस सर। एक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आएंगे? नहीं, ये उल्टा सही नहीं है। देखो मैं कहूँ कि एक पार्टिकल ऐसे चला कि उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो क्या पाथ गारंटीड स्ट्रेट होना चाहिए? यस सर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर इसका रिवर्स, अगर पाथ स्ट्रेट है तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आएंगे? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो पाथ स्ट्रेट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के अगर यहां पे वापस आ गया तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? पाथ तो भी पाथ तो स्ट्रेट ही है, हालांकि मुड़ा है पर पाथ तो उसी रास्ते पे मुड़ा है, तो एरो पर थोड़ा सा नीचे से दिखाया है, वरना इसी रास्ते पे स्ट्रेट लाइन पे चला है। जैसे मैं इस गली से सीधा इधर गया और वापस इसी गली से वापस आ गया, तो मैं चला तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही हूं। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ रहे हैं तो क्या पाथ स्ट्रेट है? यस सर, यस सर। पर पाथ स्ट्रेट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हां आ भी सकते हैं, नहीं जा सकते। बराबर कब आएंगे? बराबर आने के लिए दो कंडीशन, पाथ स्ट्रेट भी होना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या चेंज नहीं होनी चाहिए? डायरेक्शन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर आए तो पाथ स्ट्रेट है, फिक्स है। पर पाथ स्ट्रेट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि इनके इक्वल होने की कंडीशन क्या है? पाथ स्ट्रेट होने के साथ साथ, पाथ स्ट्रेट होने के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होना चाहिए। और डायरेक्शन ऑफ मोशन किस में चेंज नहीं होता है भाई? यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होते, इसलिए पाथ स्ट्रेट आता है उसके साथ साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर आता है। वो पाथ स्ट्रेट के कारण नहीं है, वो किसके कारण है? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है इसके कारण, ठीक है। अच्छा यूनिफॉर्म मोशन में चलो जी और देखो, यूनिफॉर्म मोशन है तो भैया जी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। चलो और देखो, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा क्या वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा? यस सर, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तो क्या होंगे? बराबर होंगे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस केस में जब मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, पाथ स्ट्रेट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल, एक्सीलरेशन जीरो और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर आएगा। इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चन में बोल रहा था, देखो जब वो उसका स्ट्रेट पाथ था, मैं कह रहा था ऐसे तीन टुकड़े बना लिए मोशन के, तो एवरेज स्पीड निकालो या एवरेज वेलोसिटी निकालो बराबर ही आएंगी, क्योंकि स्ट्रेट पाथ था और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी। स्ट्रेट पाथ हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। अच्छा जी दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं इस मोशन के अंदर ए जीरो है, क्योंकि क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो भाई कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो भाई एक्सीलरेशन कितना है? जीरो। वैसे भी आपको पता है ए बराबर होता है डी वी बाई डी टी, और ए की वैल्यू जीरो है, यानी डी वी बाई डी टी जीरो है, ठीक है। ए जीरो इसका मतलब डी वी बाई डी टी जीरो है। अच्छा v का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब v बराबर कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है? कांस्टेंट का। तो a बराबर जीरो का मतलब v बराबर जीरो होता है, a बराबर जीरो का मतलब v बराबर जीरो नहीं होता, a बराबर जीरो का मतलब v बराबर जीरो नहीं होता, पर a बराबर जीरो का मतलब होता है v कांस्टेंट है। हाँ वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, बाकी कॉन्स्टेंट है ना। अच्छा a बराबर जीरो का मतलब एक होता है डी वी बराबर जीरो, डी वी यानी चेंज इन वेलोसिटी जीरो, a बराबर जीरो का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज जीरो है यानी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। तो मैं बोलूं a बराबर जीरो इट मींस v बराबर जीरो, नहीं, a बराबर जीरो मींस चेंज इन वेलोसिटी जीरो, इट मींस वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। ओके चलो जी और समझ लीजिए छोटी छोटी बातें।
मैं आपसे बोलूं सिंपल सा स्टेटमेंट, फॉर ए गिवन इंस्टेंट, अदो जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के जो आपने फॉर्म में लिखे थे सेम, अगर v की जगह a लिख दोगे तो एवरेज एक्सीलरेशन के बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे? एवरेज एक्सीलरेशन के। चलो आप सुनो क्वेश्चन, देखो आप बड़ा कमाल क्वेश्चन है। मतलब फॉर ए गिवन इंस्टेंट, एक किसी गिवन एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे a बराबर 0, इट मींस v बराबर 0। दूसरा v बराबर 0, इट मींस a बराबर 0। मैं ट्रू फॉल्स बताना है। पहला कि किसी इंस्टेंट पे a 0 है तो क्या v 0 होगा? नहीं। इसका मतलब ये भी हो सकता है उस समय वेलोसिटी को, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका एक्सीलरेशन तो हमेशा ही हर पॉइंट पे कितना आएगा? 0 आएगा। और इसके बाद कौन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन तो हर पॉइंट पे कितना है? 0। और वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट, सेम रहती है। तो भाई ये तो फॉल्स है। ऐसा हो सकता है कि एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन 0 हो और वेलोसिटी नॉन 0 हो? यस, हो सकता है। एक्सीलरेशन तो 0 है और जो वेलोसिटी है वो नॉन 0 है, यानी कांस्टेंट स्पीड से हो सकता है चल रहा हो। अच्छा दूसरा, वेलोसिटी 0 है तो क्या एक्सीलरेशन 0 होगा किसी की गिवन इंस्टेंट पे? बट ये भी फॉल्स है। हो सकता है जैसे मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यूं फेंका ऊपर तो ऊपर गया और एकदम रुक गया। जब पूरे पाथ के दौरान ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन लगा है पर जिस पॉइंट पे इसने टर्न लिया यानी मोशन की डायरेक्शन चेंज हुई यानी हाईएस्ट पॉइंट, क्या इस पे वेलोसिटी 0 हो जाती है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे? ऐसा हो सकता है कि किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज 0 हो जाए पर उस पे एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है भाई। एक्सीलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना। हो सकता है वेलोसिटी चेंज होती होती 0 हुई हो, है ना। तो v बराबर 0 मींस a बराबर 0, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। हाँ, पर मैं ये बोलूं कि ड्यूरेशन के लिए वेलोसिटी लगातार 0 रही है तो क्या उस ड्यूरेशन में एक्सीलरेशन 0 होगा? यस सर, तो 0 है। आप 0 छोड़ो, कांस्टेंट भी रहती तो भी एक्सीलरेशन कितना आता? 0 आता। तब भी एक्सीलरेशन कितना आता? 0। यहां तो खुद ही 0 0 तो कांस्टेंट ही है तो भाई एक्सीलरेशन 0 आएगा। तो यहां पे मैं फॉर ए गिवन इंस्टेंट की जगह फॉर ए टाइम इंटरवल लिख देता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। फॉर ए टाइम इंटरवल अगर v की वैल्यू 0 आ रही है तो उस दौरान भाई a की वैल्यू पक्का से 0 आएगी। पर किसी इंस्टेंट पे ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी 0 हो गई हो पर एक्सीलरेशन 0 नहीं हुआ। जैसे मैंने चौक को ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 है पर एक्सीलरेशन इसका 0 नहीं है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, चलिए। तो कुल मिलाके अपन ने जो पहले पढ़ा मोशन के जो टाइप पढ़ रहे हैं, नए तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन। कैसी मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। खास खास बात, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0, पाथ स्ट्रेट, पाथ स्ट्रेट, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। अच्छा जी, और देखो इसके लिए भाई a बराबर तो 0 है और v वेक्टर क्या है भाई? कांस्टेंट है। v कितना होता है? v वेक्टर होता है ds/dt। इसका मतलब vdt बराबर ds। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो देखो ये तो कांस्टेंट है ना, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेट अगर इस इक्वेशन को करूं तो ये आएगा v वेक्टर टाइम t1 से लेके t2। मान लीजिए टाइम t1 पे इसकी पोजीशन थी s1, t2 पे इसकी पोजीशन कितनी होगी s2। तो इसको लिखोगे t2 - t1 और यहाँ पे लिखोगे s2 - s1। फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, इसको बोल दिया जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला के अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सीधा सा आप लिख सकते हो वेलोसिटी और ये टोटल टाइम है ना, t1 से लेके t2 टोटल टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट। सीधी सी इक्वेशन लगती है s = vt। अगर किसी t ड्यूरेशन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सीधा सा रिलेशन डिस्प्लेसमेंट = velocity × time, displacement = velocity × time। इसको आप यहां से देख सकते हो s = vt + 1/2t2 होता है। यस सर,
या आप जानते हैं अभी अपन ड्राइव भी करेंगे, अगर मैं ए जीरो रख दूं इसके लिए तो एस बराबर यू टी आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अच्छा सर जी, यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, हमें वी आ रहा है। अरे वेलोसिटी जब ये तो कहें पूरे पाथ के दौरान कॉन्स्टेंट है, तो इनिशियल लोड से फाइनल लोड कुछ भी लो तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी पूरे पाथ के दौरान, इसलिए आपने इसको कैसा लिख लिया, वी टी लिख लिया। ठीक है, चलिए ये सब चीजें छोड़िए, आप सिंपल से समझिए कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए इतनी इक्वेशन एस इक्वल टू वी टी, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट चैप्टर में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे, देन टू डायमेंशनल मोशन करेंगे। ओके, थैंक यू।